हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विषयभूति वंश के साथ साथ एक और टॉपिक दिया गया था पादप उत्तक, जो कि होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिला था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो अब हम यहाँ पे क्यूज को स्टार्ट करने वाले हैं, बारी बारी से क्वेश्चन पूछ रहेगा। और काफी कल कमेंट आ रहे थे कि वॉइस आपको सुनाई नहीं दे रही थी सभी लोगों को, तो हम लोग आज थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि सभी लोग की वॉइस आपको अच्छे से सुनाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, विषयभूति वंश के संस्थापक कौन थे? जो राजधानी थी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर। और पुष्यभूति जो थे वो किसके उपासक थे? शिव के। शिव के उपासक थे, थोड़ा तेज बोलिएगा ना, शिव के। अगला प्रश्न है कि इस वंश का यानी कि पुष्यभूति वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे? प्रथम प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन सबसे शक्तिशाली शासक थे। प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? बोले बेटे जी, परम भट्टारक और महाराजा धीराज के। परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह जो कि गृह वर्मा से किया था, जो किस वंश के शासक थे? गृह वर्मा, यूपी बिहार का था, पास। मौखरी। मौखरी थे, ठीक है, मौखरी वंश के शासक थे। गृह वर्मा जो थे, इनकी हत्या किसने की थी? गृह वर्मा की हत्या की थी देवगुप्त ने। देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त। और देवगुप्त की हत्या किसने कर दी फिर? देवगुप्त की राजवर्धन ने। राजवर्धन ने, राजवर्धन का भी हुआ था, वो भी कुछ नहीं। अगला प्रश्न की राजवर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ शासक शशांक। गौड़ शासक जो की नरेश शशांक ने किया था। और जो शशांक था वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, और इसीलिए इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था राजगद्दी पर कब? 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, जो कि बादामी के चालुक्य शासक था, तो उसको ध्यान रखिएगा। और शशांक को किसने हराया था? हर्षवर्धन ने। शशांक को हर्षवर्धन ने हराया था कहाँ पर? बंगाल अभियान, बंगाल में। हर्षवर्धन के विजय अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र की रचनाकार? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की राजधानी शुरुआत में कहाँ पर थी? थानेश्वर। और कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? कन्नौज स्थानांतरित किया था। थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन की रचनाएं बताइए। हर्षवर्धन की रचनाएं, उसका प्रियदर्शिका है तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था या फिर उपासक था? हर्षवर्धन शैव धर्म का, वो मतलब जैसे कुल देवता को ही मानता था, उसके जो पूर्वज थे वो शिव को ही उपासक थे, तो ये भी मानता था। लेकिन जब ये हिंसांग से मिला तब जाकर इसने बौद्ध धर्म पर, तो ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस सखा को अपनाया था? महायान सखा को अपनाया था। हिंसांग की उपाधियां कौन कौन सी थी? साक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, गौतम बुद्ध 2.0। गौतम बुद्ध 2.0, ठीक है, वर्तमान साक्य मुनि के नाम से इनको जाना जाता था। चलिए, ये किसके समय में आया हुआ था? हिंसांग, हिंसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया हुआ था। और हर्षवर्धन एक और उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन का शिलादीप्त, परम भट्टारक और शिलादीप्त, ठीक है। और हर्ष द्वारा बौद्ध के किस शाखा को अपनाया? तो महायान, ठीक है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रधान केंद्र था? महायान। देखिए, हर्षवर्धन के समय में जो हुआ था, नगद वेतन के बदले में भूखंड देने की प्रथा थी, तो उस वक्त यहाँ पे मतलब कहा जा सकता है कि सामंतवाद जो कि चरमोत्कर्ष पर था, सामंतवाद इसको कहते हैं, सामंतवाद चरमोत्कर्ष पर था। महामोक्ष परिषद क्या था? महामोक्ष परिषद हर्ष आयोजित करता था 5 साल में एक बार प्रयाग में। हर्ष के द्वारा प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसी को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना गया। और हिंसांग इसमें खुद 6ठे समारोह में शामिल हुआ। हर्ष के समय में प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य था कई प्रांतों में विभक्त था, जिसे क्या कहा जाता था? भुक्ति। हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र मथुरा।
चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, पुष्यभूति वंश से और या फिर वर्धन वंश से सब चीज कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से थोड़ा बहुत बीच में रिपीट करते हैं। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज। नीति पंडित के नाम से किसे जाना गया है? नीति पंडित शाक्य थे। यात्रियों का राजकुमार? वर्तमान शाक्य मुनि। शिलादित्य के नाम से? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को प्रभाकर के नाम से? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही और प्रभाकर वर्धन को भी, उसको भी प्रभाकर वर्धन को भी। हर्षवर्धन की रचना है किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र की रचनाकार? बाणभट्ट। चलिए पादप उत्तक के बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न है कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। एमजी। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने दिया था? उत्तक संवर्धन की अवधारणा फ्री हाफ मिस्टर। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कोशिका की सबसे बाहरी परत? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। पौधों में लचीलापन किस कारण से होता है? किस उत्तक के कारण? कोलेनकाइमा। एक सरल स्थायी उत्तक है, पौधों को स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करता है, पादप शरीर को तन्यता और नम्यता प्रदान करता है, पौधे के हिस्से को आसानी से मोड़ने की अनुमति देता है। लचीला वाला तरीका आसानी से मोड़ सकते हैं। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लचीलापन क्या कारण या फिर मोड़ने की अनुमति कौन देता है, तो कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि स्केलेनकाइमा जो है पौधों को कठोरता और सख्त बनाता है, तो पूछ लिया हम पौधे को कठोर या फिर सख्त कौन बनाता है? स्केलेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि वह उत्तक कौन सा है जो पौधों को सहारा प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है? पेरेंकाइमा। ठीक है। सहारा यदि ये पैरों पर खड़ा होना, और आपका क्या ट्रिक था? पेरेंट्स जो है वो सहारा देते हैं। पेरेंट्स जो है सहारा देते हैं, तो बस भोजन भी लेके आते हैं परिवार के लिए, तो पैर बहुत अच्छा। पैर से आप ध्यान रखिए, पेरेंकाइमा मतलब कि सहारा प्रदान करता है पौधों को। ठीक है। और कोलेनकाइमा जो था लचीलापन, यानी कोमल टाइप का, याद रख लीजिए, कोमल से लचीला मोड़ने मोड़ने की अनुमति देता है कोलेनकाइमा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि पादप उत्तक में कॉर्क की कोशिका भी थी किसके द्वारा संकंदित होती है जो उन्हें पानी और गैस अणुओं के लिए अभेद्य बनाती है? सुब्रीन। सुब्रीन। पौधों को मजबूती प्रदान करता है कौन? कौन से उत्तक? देखिए ध्यान रखिएगा कि स्केलेन जो काइमा होता है केवल पौधों को समर्थन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, अगर मजबूती की बात आती है तो वहां पर रक्षी उत्तक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलीय पौधे को उन्हें तैरने में मदद करने के लिए उछाल प्रदान करता है, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जलीय पौधों में कौन सा उत्तक होता है? एरेनकाइमा। पौधों में जलीय परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? जाइलम। जल परिवहन के लिए जाइलम। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है? स्केलेनकाइमा में मृत कोशिकाएं होती है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने लिखा था, आगे चले देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पौधे के बढ़ते क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? कैंबियम। मेरिस्टेम। चालनी पट्टिका किसका भाग है? ये फ्लोएम का। फ्लोएम का एक और नाम होता है पोस्वा, हिंदी में पोस्वा कहते हैं, इंग्लिश में फ्लोएम है। इसको एक और नाम से जाता है बास्ट। बास्ट के नाम से जाना जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित रहता है कौन? जाइलम और फ्लोएम। कैंबियम। कैंबियम को हिंदी में एधा कहा जाता है, एधा, और इंग्लिश वर्ड इसका बोला जाता है कैंबियम। कैम्बियम वही होता है जो वार्षिक वाले वो गिना जाता है ना, वही होता है आयु निर्धारित करने के लिए। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका किसके जमा होने के कारण मोटी हो जाती है? ये सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन। पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जेसी बोस ने। ठीक है, जेसी बोस ने। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। और ये तीन प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक तीन प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका में एक सजीव उत्तक कौन सा है? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सजीव उत्तक है, और ऊपर हम लोगों देखा था कि स्केलेनकाइमा जो कि मृत उत्तक या फिर निर्जीव उत्तक, निर्जीव कोशिका उसमें बना होता है।
चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और इसके बाद है और भी कुछ। पौधों में पानी का अवशोषण होता है किसके द्वारा? जड़ बाल क्या है? तो एपिडर्मियल कोशिकाओं का एक विस्तार होता है, बेलनाकार विस्तार होता है। प्राथमिक कार्य इनका क्या होता है कि जड़ बाल द्वारा जो है मिट्टी में पानी और खनिज पोषण तत्वों का इकट्ठा करना इनका मेन कार्य होता है जड़ बाल का। और खनिज का अवशोषण कौन करता है? एपिबाल्ब द्वारा। स्थायी ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से, जैसे एक आपका सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक में तीन आते हैं, पेरेन्काइमा, स्केरेन्काइमा और एक कौन होता है कोलेन्काइमा, तीन होता है। और जबकि जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत दो, जाइलम और फ्लोएम। तो ये ध्यान रखिएगा। नारियल का जो भूसा है किस ऊतक का बना होता है? ये स्केरेन्काइमा का, और जो कि एक प्रकार का मृत कोशिकाओं का बना होता है, निर्जीव कोशिकाओं का। और इसका क्या काम था? सहारा या फिर यांत्रिक सहारा देना, सपोर्ट करना, ठीक ना। पौधे को कठोर और सशक्त बनाता है, मजबूती के लिए अच्छी होता है। घास और इपोमिया, घास और इपोमिया में किस प्रकार का उत्तक होता है? जाइलम उत्तक होता है, जाइलम। पौधे की आयु की गणना किससे की जाती है? वार्षिक वलयों को गिनकर। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? यही अध्ययन की विधि है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य पानी, सूर्य प्रकाश। चार चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल में। लाल सबसे कम? बैंगनी में। हाइड्रोफाइट्स में कौन सा ऊतक होता है? देखिए हाइड्रोफाइट्स ऊपर बताया था ना कि जल वाला जो भी आएगा किसके कारण तैर सकते हैं पौधे, तो क्या था? एरेन्काइमा। हाइड्रोफाइट्स में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एरेन्काइमा। रंध्रों की संख्या, रंध्रों यानी कि जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा की संख्या न्यूनीकृत होती है या फिर धसे होते हैं किसमें? तो देखिए पादप पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे कवर किया गया, और उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ करके आए होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, मैं एक और टॉपिक दिया गया था सितंबर का पूरा करंट अफेयर रिविजन के लिए, तो एक बार हम लोग 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न बनता है कि पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? गोवा के द्वारा, सिग्मा महोत्सव गोवा। और इनका ये था संग्रहालय, रेबीज से मुक्त हुआ गोवा। चलिए आगे है कि किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? मिजोरम, नागालैंड। 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? 5 लोगों को। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 7 नामक पहल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया? रोपड़, IIT रोपड़। और नियो बोल्ट को किसने लॉन्च किया था? IIT मद्रास, जो कि क्या था? नियो बोल्ट व्हीलचेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ भूमध्य सागर में यानी कि 2 सितंबर 2021 के प्रारंभ में भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? रशिया, मिस्र ने किया था। 21 देश शामिल है ब्राइट स्टार नाम में। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? एलेजांद्रो प्रीतो, एलेजांद्रो प्रीतो। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना क्या? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने स्मारक सिक्का? 125 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की? जलवायु भारत, भारत ने किया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पुणे में। और IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। योद्धा बनो अभियान, योद्धा बनो केरल, योद्धा बनो केरला ने। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम का, जो कि हाल ही में
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट वन है कि 6 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? भारत। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? असम की। विलो बैट विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत किसने दिया? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, आगे है किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया? तमिलनाडु। ठीक है, भारत का पहला जैव ईट आधारित भवन कहाँ निर्धारित किया गया? किस IIT के द्वारा? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लिया? जैपेड रसिया। रसिया रसिया में आयोजन हुआ था। पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा की सरकार ने। 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? महाकवि दिवस। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? आइसलैंड। और यहाँ पे विश्व में आइसलैंड। चलिए अगला है, छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया गया? इटली में। आगे है कि नुआखाई उत्सव धानु यात्रा रज पर्व एगो बोइता वंदना हुई तो बोइता वंदना। डेनमार्क और किस राज्य ने मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा दी बनाने की घोषणा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? धनजी। हेमंत धनजी। हेमंत धनजी। धनजी। ओपन एयर फॉलरी कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के रानी खेत में। उत्तराखंड के रानी खेत में। बाजरा मिशन की शुरुआत? छत्तीसगढ़। पीएम कुसुम योजना? पीएम कुसुम योजना हरियाणा। हरियाणा सबसे ज्यादा पंप लगाने में सोलर पंप लगाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? NIOS को। स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार 2021 से किस सम्मान किया गया? ब्रह्मानंद कुमार। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया गया? तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? दूरसंचार क्षेत्र में। प्रोजेक्ट उड़ान IIT महाराष्ट्र IIT बॉम्बे। बॉम्बे। भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए ड्राई राशन योजना उड़ीसा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत उत्तराखंड। टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग के लिए भारत में पहला प्लांट जमशेदपुर। ऑकस जो है वो ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस के साथ मिलकर एक सुरक्षा साझेदारी है। नेक्स्ट वन है कि डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 104। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। आगे है खादी और ग्रामोदय उद्योग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पीच योजना की शुरुआत बनारस में। प्रगति मोबाइल ऐप प्रगति और आनंद LIC है। ला पाल्मा द्वीप कहाँ है? ला पाल्मा तमिलनाडु स्पेन में। स्पेन जो कि हाल ही में यहाँ पर कैमरे बियजा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कैटली मछली को राज्य घोषित किया गया? मछली को सिक्किम का किस में कैटली में सिक्किम। ठीक है, उत्खनन इंजीनियरिंग कौन बनी है? भारत की पहली उत्खनन इंजीनियर उत्खनन बनी है शिवांगी मीणा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46 फर्स्ट पे डेनमार्क। स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रामकृष्ण बजाज, गौतम अडानी। समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण भारत और किसके देश? इंडोनेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर या फिर विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य? ईरान। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है? एक पहल मंत्रालय यह रक्षा और कानून मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मान किया गया? सरस्वती है एस वी सरस्वती। एस वी सरस्वती। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सर्वेंट बनी? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? किस राज्य के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार ने परशुराम कुंड विकसित करने पर काम किया? अरुणाचल प्रदेश। 400 डेज पुस्तक के लेखक? चेतन भगत। अगर उड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगर उड नीति 2021 को मंजूरी? त्रिपुरा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है कहां है? हिमाचल प्रदेश। काजा में। हिमाचल प्रदेश के काजा में। जंगल नामक शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक जारी किया है अमिताभ घोष। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन? जयपुर। नेक्स्ट वन है कि भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? भूटान के साथ। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित किया गया जहां शुभारंभ हुआ? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप को लॉन्च किया है? हरियाणा ने। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? अमेरिका। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? केरल। ठीक है। सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर के ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू किया? आईआईटी गांधीनगर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से डीआरडीओ के द्वारा। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। नीमाबेन आचार्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? किस गुजरात विधानसभा की नीमाबेन आचार्य। किसके द्वारा विजय सांस्कृति महोत्सव का समापन कोलकाता में हुआ? सेना मनाया है भारतीय सेना द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह का लॉन्च किया? लैंडसैट 9 नासा का है। फोसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण? उत्तर कोरिया। मॉन्स्टर मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है फोसोंग 8। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया? 11 लोगों को। चलिए यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है। वीडियो कॉपी थी पूछते स्टैटिक जी के पूछते नीचे नंबर पहले कल वाला पूछते एक बार रिविजन करते ठीक। बताइए कथा सरित सागर की रचना का? कथा सरित सागर के रस रसखान सोमदेव। सतरंगिनी सोमदेव। बता देना प्रतीक्षा सतरंगिनी मधुशाला हरिवंश राय। अच्छा। भारत का स्कॉटलैंड दिया गया है। कुर्ग है तमिलनाडु का कोई? कर्नाटक का कुर्ग। पूर्व का स्कॉटलैंड? मेघालय। शिलांग। गोदान नामक पुस्तक के लेखक? प्रेमचंद। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास? लद्दाख। लद्दाख के कारगिल।
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम गुरु दत्त यज्ञ दत्त नहीं नहीं नरेंद्र नरेंद्र दत्त नरेंद्र नाथ दत्त महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर पीटीआई की स्थापना पीटीआई अरुणाचल प्रदेश योग्यामा मंदिर योग्यामा दिल्ली दिल्ली सिमेर किला पुणे महाराष्ट्र किला मायरा के नाम से जाना जाता है कहाँ है किला उत्तराखंड उत्तराखंड हवाओं का देश डेनमार्क भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है बच्चा खान गफ्फार खान वन संरक्षण अधिनियम और पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय वन नीति 1952 दूसरा वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय एना कैरेनिना वही लियो टॉल्स्टॉय क्वेश्चन था विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किसमें होता है डाउन सिंड्रोम और दोनों में 47 बाकी टर्नर में 45 सिसरी सुपारी को जीआई टैग सुपारी कर्नाटक कर्नाटक दिल्ली का मोती मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां चीन में लीबिया लीबिया की राजधानी त्रिपोली ट्राइपोली भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया पारंपरिक जो खेल है किस राज्य से मानी इंसुकनार पारंपरिक खेल है मिजोरम से मिजोरम कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ 2014 वार्षिक मरु महोत्सव राजस्थान के किस शहर में राजस्थान के जैसलमेर अगला है कि भारत में वार्षिक योजनाओं की अवधारणा पंचवर्षीय जो योजना है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है पंचवर्षीय योजना से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दिहान जमुना जमुना पंडवानी लोक गायक एलपीजी में शामिल होता है प्रोपेन और ब्यूटेन 1920 में मुख्य नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी मुख्य नायक राजा राम मोहन राय अम्बेडकर प्रसार भारती की स्थापना सन्तानवे 1997 15 सितंबर 1997 द हिंदू सॉरी द इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी द इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया अशोक का शिलालेख स्थल जौगढ़ कहाँ स्थित है किस राज्य में जौगढ़ उड़ीसा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा पहले डेन्यूब था वोल्गा फ्लाइट ऑफ पिजन कबूतर दौरान रस्किन बॉन्ड जीवित जड़ सेतु मेघालय लोकप्रिय
कुडवी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुडवी, कुडवी नृत्य पास गोवा। कंथूरी उत्सव अरे कंथूरी उत्सव कंथूरी कंथूरी उत्सव तमिलनाडु। बागा जो है किस राज्य का मार्शल डांस का रूप है? बागा बागा कर्नाटक पंजाब। अगला प्रश्न कोई बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अटमोस्ट हैप्पीनेस लिख हां मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस रफिन बॉन्ड श्रीलंका और इंडिया गोल्फ के खेल परिसर को रोवर्स कप फुटबॉल बगुआ रोता है फुटबॉल का डुरंड का फुटबॉल बगुआ रोता है फुटबॉल डरो संतोष आम से भी उसके टेक्निकल केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ लखनऊ। तो बस यहाँ पे आज हम लोग का खत्म होता है आपका ये क्यूज। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसका होमवर्क कल के लिए क्या रहने वाला है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए डिमांड बिल्कुल भी मत करिए, पीडीएफ आपको देने वाले हम लोग नहीं है क्योंकि पीडीएफ से सिर्फ आप लोग वही चीजें याद कर रहे हैं जो बस पीडीएफ में लिख करके दे दिया जा रहा है प्रिंट आउट करा करके और अलमीरा में रख दे रहा है। पढ़ना है नहीं वो तो हम जानते हैं क्योंकि पीडीएफ सजाने का आदत हमारा भी था बहुत पहले से, तो वो काम हम करवाने वाले नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ से पढ़ना है तो बस आप जाइए एप्लीकेशन पे, वहाँ पे पेड कोर्सेज में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वहीं पे आप पढ़ना है। ठीक है, प्रिंट आउट कराने वाला ऑप्शन हम लोग नहीं देंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।